सो हे फोक्स, क्या हालचाल है। आज हम खोलने वाले ये डिब्बा, ये अमेजोन से आया हुआ पैकेज है। तो इसमें है एक एक्शन कैमरा जो कि बहुत जाना माना है, HTC लेजेंड, मतलब क्या ही बोले, कैम लेजेंडरी एक्शन कैमरा। आपको पता होगा ये HTCAM जो है ये 2014 को आया था इंडिया में, तो उन्होंने तब से ये कैमरा सेगमेंट में, एक्शन कैमरा सेगमेंट में और FPV में चालू किया था इंडिया में एक्चुअली बेसिकली। सो इन्होंने ये दिया था एक सिक्योर पैकेज बबल रैप में, तो बहुत अच्छा है। बट फिर भी ये बॉक्स में आना चाहिए था जैसे फ्लिपकार्ट देते। और ये देखो, ये एक इधर ये पहले से ही खुला हुआ था, नो टेपिंग। सो ये अमेज़ोन वालों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिसप्लेसमेंट या कुछ भी काउंटरफिटिंग हो सकती थी वो गैप से, मतलब कोई निकालेगा नहीं लेकिन डैमेज कर सकता था कुछ भी डालकर वगैरह। सो ओके, सो हमारे हाथ में है HTC लेजेंड। मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़े स्पेसिफिकेशंस आपको बताने थे। तो ये HTCAM का ये कैमरा है HTC लीजेंड। ये एक 16 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें पैनासोनिक M02 सेंसर लगा हुआ है। सो ये सोनी का सेंसर नहीं है, ये पैनासोनिक सेंसर होने के कारण ही इसके जो ये है, इसका जो कलर फॉन्ट है वो इतना कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है। जब से हमने सिंस 2018 से जो सोनी ने उनके सेंसर्स चालू किए, तो वो आईफोनिश टाइप एक कलर कॉन्ट्रास्ट की एक कलर पैलेट हमको पसंद आ रहा है। लेकिन ये ज़रा सा पुराना कैमरा इसलिए इसमें इतने ब्राइट और पंची कलर्स नहीं आते, लेकिन जो कलर पैलेट है और जो शार्पनेस है वो अच्छा है। पैनासोनिक MN34120PA सेंसर ये कैपेबल है 4K 30 FPS रिकॉर्ड करने के काबिल, लेकिन ये कैमरा को सेट किया है 4K 24 FPS, क्योंकि इसका चिपसेट वही लिमिट पर इसको दे सकता है। वैसे स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें जायरो सेंसर है जो कि बहुत ऑसम है गाइस, लाइक ऑसम है जायरो। EIS वगैरह ऑप्टिकल से भी बहुत अच्छा है, ऑप्टिकल से बहुत नहीं अच्छा है बट EIS से तो बहुत अच्छा है जायरो। इसमें आपको जो FPV है वो 170 डिग्री सेल्सियस की, नॉट डिग्री सेल्सियस, एंगल जो है 170 डिग्री है। एक्चुअली अमेज़ोन पे ये 180 मेंशन किया है, लेकिन मुझे पता है 170 है। सभी कैमरे, एक्शन कैमरे में डिस्टॉर्शन करेक्शन होता है, इसमें भी है। इसमें वाईफाई भी है सपोर्टेड, जिससे कि आप इसको मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इसके गिवन ऐप से। सो अभी मेरे हाथ में ये कैमरा आ चुका है, तो कैमरा बहुत स्टर्डी है पकड़ने को, मतलब मैंने GoPro वगैरह यूज़ किया है वैसे, तो आई वुड रेट इट लाइक GoPro 7 के बराबर का वेट का है ये, और ऐसे फील भी वैसे ही होता है। बैटरी केस ज़रा सा स्टिफ है फॉर न्यू यूज़र्स, बिकॉज ये बहुत ऐसे हिंज में बैठा हुआ है। सो आपको पूरा कैमरा को पकड़ के ही बैटरी को, आपको कवर को स्लाइड करना होगा विद नेल और एनीथिंग। ये कैमरा में ड्यूअल स्क्रीन है, एक ब्लैक एंड वाइट मोनो फॉन्ट कलर की स्क्रीन है आगे, वाइल एक कलर स्क्रीन है सामने, टच स्क्रीन जो कि 2 इंचेस की LCD स्क्रीन है, जो कि आपको 4K वगैरह पूरा वीडियो दिखा सकती है। मतलब क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, एवरेज क्वालिटी स्क्रीन है, लेकिन अच्छी है, काम चला उस स्क्रीन है। ओके, सो एक और एक मेजर फीचर इस कैमरा में है जो कि है एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, लेकिन इनके कंपनी का ही माइक लेना चाहिए, नहीं तो दूसरा कौन सा। तो और वो रिटेल करता है 2000 का, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है, 10000 का कैमरा 2000 का माइक, इट्स लाइक बहुत हो गया ये माइक के लिए। ओके, सो इसमें एडिशनल माउंट ये है जो मैं एक एक आपको बताता हूँ। इसमें क्लिप और माउंट दिया है जो कि ट्विस्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हो, मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ।
दे हैव एक्चुअली ये गिवन एक्सरसाइज वगैरह में मेरे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेट मॉन यार रूबल इसमें से एक दो ही एक्सरसाइज यूज़ करते हैं मेजरली लोग, कनेक्टर एंड एक्शन ट्विस्टेड कैमरा अगर अगेन आप वीडियो पेस्टेड यार शूटिंग एंड के लिए ले रहे हो व्हाट द फक वेरी गुड तो यार आप इससे क्या इसको छोड़ दो, सिर्फ खूब जानदा व्लॉग्स है और एक्शन सीन्स, मतलब जो कि बाइक माउंटिंग और बाइक व्लॉगिंग और अप्रिशिएट है मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करिए, क्योंकि सर इसका एक जो माइकल फोकस होता है वो फिक्स फोकस होता है, इसके कारण सब्जेक्ट कभी कभी डिफोकस होता है, कभी कभी फोकस होता है, तो व्यूअर को दिक्कत आती है देखने को। सो दिस सो इसलिए ये कैमरा कैमरा बेस्ट है मोटो व्लॉगिंग और व्लॉग्स के लिए। व्लॉग्स के लिए सिर्फ सीन दिखाने के लिए ओके है, क्यों? क्योंकि इसमें 170 डिग्री लेंस सेट वाइड एंगल लेंस करने है हैं और ये दिए 4K सपोर्ट करता है अगर आपके पास उतना प्रोसेसिंग पावर हो तो। अभी ये बैटरी के बारे में हम बात करेंगे, इसमें गुड 1050 mAh इनिशिएटिव यार बैटरी है जो कि रियली वेरी गुड डेढ़ इनिशिएटिव घंटा मान के मतलब द चलिए फर्स्ट टाइम ऐसा 1080p प्रीमियम के फुटेज दे अंदर सकता है, आप अनबॉक्स के लिए ऐसा फील कभी भी बंद हो सकता है। सो आप इसको 1 घंटा पकड़ के चलिए, 4K में ये वाला आपको केस आधा तो घंटा काफी दे देगा। इम्पोर्टेंट है ये एक केज निकला, एक बाइक हैंडल माउंट, ये क्लिपॉन्स दिए उन्होंने, ये डबल साइडेड टेप, अगेन ट्विस्टेड टेप, ये क्लिपॉन्स, ये 3x5 माउंट, ये एक टच केस दिया है, आप वाटरप्रूफ केस के अंदर कैमरा को टच यूज़ कर सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा है, लेकिन ये 10 मीटर के लिए ही दे रेस्ट्रिक्टेड है। हैव गिवन द एशिया कैम मैनुअल स्टिकर्स, एक ऑफ मैनुअल एस दिया जे है सिक्स मल्टीपल रीजनिंग लैंग्वेजेस है में, और एक क्लीनिंग क्लॉथ बॉक्स में ठीक इंक्लूडेड है है। दिस मच बिग मैं अभी क्लॉथ कैमरा के स्पेसिफिकेशंस दिस बता मच रहा हूँ, बिग लेकिन क्लॉथ दे हैव लोगों को फुटेज चाहिए एक्चुअली। अभी मेरे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, ये कैमरा 60 सैंडिस्क एक्सट्रीम नहीं तो अल्ट्रा मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, तो मैंने उसको ऑर्डर दिया है, वो अभी आना चाहिए था लेकिन वो आज नहीं आया, इसलिए मैं इसके बाद फुटेज कैमरा का अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी के लिए स्पेसिफिकेशंस और अनबॉक्सिंग एंजॉय कीजिए। अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं है, क्या मिलता है आपको, अगर आपका कौन सा एक्सेसरीज मिसिंग है तो आप देख सकते हो। वैसे रिमोट इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके इट्स गुड सो अभी के लिए इतना ही, सो मैं दैट आपको इज द देखता हूँ थिंग इसके फुटेज के साथ। लेट ओके मी